वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी 11th कॉमर्स की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था। अपन ने स्पेशल पर्पस बुक के अंदर फर्स्ट जो अपना था, अपन ने कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था। और कैश बुक के अंदर जब अपन ने डिस्कस किया था, तब मैंने आपको ये कहा था कि कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर दिया जाता है। जब टाइप्स ऑफ कैश बुक की बात हुई थी, तो अपन ने दो टाइप्स की बात करी थी। फर्स्ट करी थी सिंगल कॉलम कैश बुक और सेकंड बात करी थी डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर अपन सिर्फ कैश का कॉलम लेते हैं, जबकि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अपन कैश और बैंक दोनों का कॉलम एक साथ लेकर काम करते हैं। इन सिंगल कॉलम कैश बुक अगर कोई बैंक ट्रांजेक्शन होता है, तब भी हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही कंसीडर करते हैं। और अपन ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से उसको सॉल्व भी किया था, तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं अपन सिंगल कॉलम कैश बुक का। देखिए, अपनी बुक का ही अपन ले लेते हैं, तो सबसे पहले अपन एक फॉर्मेट बना लेते हैं कैश बुक का। कैश बुक का अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा, डेट अमाउंट जे जर्नल फोलियो नंबर अमाउंट जे डेट, यानी कि ये डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो नंबर अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, दिस इज क्रेडिट साइड। ऊपर हेडिंग लिख देते हैं अपन कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक है, यानी कि अब देखिए ट्रांजेक्शंस लिखे हुए हैं। अप्रैल 1st को कैश इन हैंड है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है। और कैश हमारी असेट्स होती है, आप सबको पता है। और असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में, यानी कि ओपनिंग बैलेंस इसका हमेशा डेबिट होता है। 1st अप्रैल 2019 को टू बैलेंस बीडी, जब ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है तो अपन क्या करते हैं, बैलेंस बीडी लिखते हैं। और अगर क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है तो अपन क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यहां पर अपन ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं 50,000 रुपीज का, 50,000। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है अप्रैल 5th को कैश परचेज ऑफ ₹10,000, कैश परचेज ऑफ ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, यानी कि कैश परचेज किया है तो अपन एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है 6% की रेट से CGST और 6% की रेट से ही SGST कैलकुलेट करनी है, यानी कि इसका 6% 600 तो ये हो गया 11,200। कैश को क्रेडिट किया है, कैश के क्रेडिट साइड में 5th अप्रैल 2019 को बाय परचेज अकाउंट, परचेज के सामने वाली अमाउंट 10,000, इसी डेट को बाय इनपुट CGST अकाउंट, CGST के सामने वाली अमाउंट 600, इसी डेट को बाय इनपुट SGST अकाउंट, SGST के सामने वाली अमाउंट 600। एंट्री हो गई, पोस्टिंग भी हो गई, यानी कि जर्नल एंट्री आपने अगर बना ली तो आप पोस्टिंग इजीली कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने लेजर के चैप्टर में देखा था। सेम चीज है, जर्नल से लेजर पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन की कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, 8th अप्रैल को कैश सेल्स ऑफ ₹8,000
प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच, यानी कि कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब देखो सेल्स कितने का किया, 8000 रुपीज का, 6% 480 8960 एंट्री हो गई। कैश को डेबिट किया है कैश के डेबिट साइड में, यानी कि 8th अप्रैल 2019 को टू सेल्स अकाउंट, सेल्स के सामने वाली अमाउंट 8000, इसी डेट को टू आउटपुट सीजीएसटी, इसी डेट को टू आउटपुट एसजीएसटी 480 होगी ट्रांजेक्शन। फिर अगला ट्रांजेक्शन की बात करें तो अगले ट्रांजेक्शंस के अंदर देखिए क्या कह रहा है कि 15th ऑफ अप्रैल को परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹5000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% की रेट से। तो अपन एंट्री क्या करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फर्नीचर परचेज किया है, अमाउंट है इसकी 5000, यानी कि 5000 प्लस 300 प्लस 300 यानी कि ये हो गया 5600 कैश को क्रेडिट किया है कैश के क्रेडिट साइड में, और डेट आ जाएगी 15th अप्रैल बाय फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट है कितना 5000, इसी डेट को बाय इनपुट सीजीएसटी 300, इसी डेट को बाय इनपुट एसजीएसटी 300 हो गई जर्नल एंट्री। फिर अगला ट्रांजेक्शन अपन ले लेते हैं, और अगले ट्रांजेक्शन में ये कह रहा है कि 25th अप्रैल को है रिसीव्ड कमीशन 1000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, यानी कि कमीशन रिसीव्ड किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब कमीशन मिला कितना 1000 रुपीज का, यानी कि 1000 का कमीशन हो गया 6% की रेट से 60 ये हो गए 1120 की कैश आ गई, कैश को डेबिट किया है कैश के डेबिट साइड में, डेट आ जाती है 25th ऑफ अप्रैल टू कमीशन अमाउंट 1000, इसी डेट को टू आउटपुट सीजीएसटी, इसी डेट को टू आउटपुट एसजीएसटी 60 ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब अपना अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो दे रखा है पेड रेंट 6000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, यानी कि अपन एंट्री कर देते हैं रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू कैश। अब रेंट दिया है 6000 का, 6000 का 6% की रेट से 360 प्लस 6720 कैश को क्रेडिट किया है कैश के क्रेडिट साइड में अप्रैल 30 बाय रेंट
अकाउंट इसी डेट को बाय इनपुट CGST, इसी डेट को बाय इनपुट SGST। रेंट है कितना 6000 प्लस 360 और 360 टोटल कर लेते हैं। कैश बुक के टोटल के लिए जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि कैश बुक का टोटल हमेशा डेबिट साइड का ज्यादा आएगा, कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। कैश का क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं आता है? क्योंकि कैश का क्रेडिट बैलेंस होना इट मींस इट इज नेगेटिव बैलेंस, और कैश कभी नेगेटिव होती नहीं है। जिस दिन कैश नेगेटिव हो जाएगी उस दिन बिजनेस बंद हो जाएगा, तो अपनी कैश कभी नेगेटिव होती नहीं है, यानी कि पॉजिटिव रहेगी, हमेशा डेबिट बैलेंस ज्यादा आएगा। जब इसका टोटल करेंगे तो ये होगा 60,080, ये हो गया अपना 60,080, और इसी डेट को अपन इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। जब क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा 36,560। क्रेडिट साइड में जो बैलेंस लिखते हैं वो डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट साइड में जो बैलेंस लिखते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अपन ने लेजर के चैप्टर में डिस्कस किया है इस चीज के बारे में, यही लिखा है अपन ने। तो ये चीज समझ में आ गई, यानी कि अब आपको करना क्या है, आपको एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको सोल्व करते हुए इसको समझना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आगे की अपनी ऑनलाइन क्लास में, इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास अपन मिलते हैं डबल साइडेड यानी कि टू कॉलम कैश बुक के साथ में। तब तक आपको इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।